आर के नर्सिंग कॉलेज हूरगढ़वा एएनएम टू ईयर्स कोर्स में नामांकन प्रारंभ। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था। दूर दराज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा। संपर्क करें 9939508578। खरौंदी से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। खरौंदी शिव शक्ति सेवा समिति की अगुवाई में हर साल की भांति इस साल भी खरौंदी डोमनी नदी से जल उठाकर खरौंदी देवी मंदिर के पास जल को लेकर सभी भक्त लोग आए। वहीं मंदिर प्रांगण में पंडित द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण कर पूजा पाठ किया गया, जिसमें कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुरोहित शंभुनाथ दुबे के द्वारा नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने कहा कि पर्वत राज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाने से संसार के सभी जीव जंतु का रोग दूर हो जाता है। शिव शक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष राम खेलवान पासवान ने कहा कि हर साल की भांति इस साल थोड़ा व्रतधारियों को व्रतकर्ताओं को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से बचते हुए एवं सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए माँ का पूजा अर्चना सभी भक्त को पूजा अर्चना करना होगा, जिससे कि किसी प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो। शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में हर साल नौ कन्या का पूजन एवं भंडारण का कार्यक्रम किया जाता है, जो इस बार भी आयोजित होगा। वहीं अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज जो इतना चमचमाता हुआ पंडाल आप सभी लोग देख रहे हैं, वह हमारे पंचायत के समाज सेवी कृष्णा साहू एवं प्रभु साहू के अहम योगदान से कारण दिख रहा है। आज यह कमेटी इतना मजबूत इन्हीं के प्रयास से हुई है। समाज सेवी प्रभु साह के द्वारा पूजा पंडाल में सभी व्रतधारियों के बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं चंदनी पंचायत में पंडित अमरेश कुमार दुबे के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ माता का पूजा कराया गया एवं चंदनी मंदिर के पास भव्य पंडाल का भी आयोजन किया गया है, जो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया है। मौके पर हृदयानंद पासवान, नाथू पासवान, उपेंद्र दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।